Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। चीन के पूर्वी इलाके में मंगलवार को एक स्कूल बस ने लोगों को कुचल दिया, जिसमें 5 छात्रों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जाति जनगणना को लेकर आरएसएस की उपदेशात्मक बातों से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर निषेधाधिकार है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक प्रसिद्ध निजी स्कूल के ट्रस्टी फंड के वित्तीय घोटाले के बाद ईडी ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। वेब सीरीज IC 814 को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय में आज बैठक है। नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई, दारुसलाम और सिंगापुर दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में मैं ब्रुनेई, दारुसलाम और सिंगापुर का दौरा करूंगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया कि देश में अपराधी तत्वों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और उनके अपराध की सजा उनके परिवार और करीबियों को नहीं मिलनी चाहिए। आज बंगाल विधानसभा में नया एंटी रेप बिल पेश किया जा सकता है। सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी के बाद राज्य कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबिया ने कहा कि चुनाव समिति की बैठक के बाद मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार 9 राज्यों के सभी रिक्त सीटों पर आज वोटिंग होगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के बरनाहल कस्बे में दौरा संभावित है। इस दौरे को मैनपुरी उपचुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विधायकों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में जाएं और पिछले 4.5 साल में किए गए काम का हिसाब विधानसभा में दें। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के आरोपियों के भाई ने आरोप लगाया है कि जेल के अंदर कैद कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। अजित पवार ने कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई वह नहीं होना चाहिए था। इसको लेकर मैं सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी माफी मांग चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने कहा कि मैं कुछ और दिन इंतजार करूंगा और फिर निर्णय लूंगा। मैं अभी भी शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी का सदस्य हूं और उसका विधायक भी हूं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से मध्य प्रदेश के इंदौर के बीच रेल के लिए नई लाइन बिछाई जाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नीतीश राणे के भड़काऊ भाषण को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। राणे के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई है। घरेलू शेयर बाजार ने इस सप्ताह की शुरुआत शानदार की और पहले दिन सोमवार को दोनों प्रमुख घरेलू सूचकांक नए उच्च स्तर तक पहुंचने में कामयाब हुए। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।